नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज संथाल परगना में आपका स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे संथाल परगना से। क्लीन न्यूज की ओर से सभी झारखंड वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गोड्डा में विवाहित महिला के साथ दो युवकों ने किया दुष्कर्म। जिला के मेहरमा प्रखंड के एक गांव की विवाहित महिला के साथ गांव के दो युवकों ने दुष्कर्म किया। युवकों ने महिला को घर ले जाने के नाम पर स्कॉर्पियो में बैठाया, फिर सुनसान रास्ते में जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर दिया गया है। महिला का आरोप है, देवनचक गांव के ही दो युवक जीतू यादव व मोहम्मद दुतून ने घटना को अंजाम दिया। दुरुस्त होंगी सड़कें, पटरी पर दौड़ेगी ट्रेन। उम्मीद है कि नए साल में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। जिला वासियों को पानी और बिजली संकट से भी निजात मिल जाएगी। उम्मीदों के घोड़े पर सवार होकर शुक्रवार को गोड्डा वासी नए साल में प्रवेश करेंगे। जो योजना इस साल पूरी हो सकती है उसमें गोड्डा पोड़ियाहाट के बीच फरवरी में ट्रेन चलने की उम्मीद प्रबल है। इसके अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं, जनवरी के अंत तक लाइन का ट्रायल हो सकता है। दूसरी ओर गोड्डा मिर्जा चौकी रेल लाइन पर सर्व का कार्य भी शुरू होने की संभावना है। इस रूट में गोड्डा महगावा नई रेल लाइन का भी टेंडर लेना है। गोड्डा में बनेगा ट्रामा सेंटर, महगावा में 300 बेड का अस्पताल भी। नए साल में गोड्डा की चिकित्सा व्यवस्था सुधरेगी। इलाज के लिए मरीजों को तड़पना नहीं पड़ेगा। पीड़ा से मुक्ति के लिए बिहार के भागलपुर जिले में नहीं जाना पड़ेगा। कारण, विभाग ने स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। खबर दुमका से। दुमका में लीडर स्कूल होगा प्लस टू जिला स्कूल। झारखंड राज्य में चयनित कुल 27 स्कूलों में से एक लीडर स्कूल ऑफ एक्सीलेंट के रूप में प्लस टू जिला स्कूल दुमका भी शामिल है। दुमका जिले से एकमात्र इसी स्कूल का चयन लीडर स्कूल के रूप में किया गया है। विजयपुर व भुरभुरी पुल पर आवागमन शुरू। उप राजधानी दुमका ही नहीं बल्कि धनबाद, साहिबगंज, पाकुड़, कोलकाता, आसनसोल और भागलपुर समेत बिहार की यात्रियों को नए साल पर पथ निर्माण विभाग ने तोहफा दिया है। इन स्थानों पर आवागमन के लिए अब यात्रियों को रास्ता भटकने या 20-25 किलोमीटर की लंबी दूरी तय गंतव्य तक जाने की बड़ी समस्या से नए वर्ष की पूर्व संध्या पर अस्थायी तौर पर छुटकारा मिल गया है। धार्मिक पर्यटन व पिकनिक स्थलों पर विधि व्यवस्था रखे दुरुस्त। दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने नए वर्ष की आवागमन पर दुमका जिले के चिन्हित धार्मिक पर्यटन और पिकनिक स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश अधिकारी को दिया है। कहा कि नए साल पर विभिन्न पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। इस दौरान विधि व्यवस्था एवं पर्यटकों की सुरक्षा का खासा ध्यान रखा जाना चाहिए। लगातार 30 दिनों तक पर्यटन पिकनिक स्थलों पर भीड़ रहने की संभावना रहती है। असामाजिक शरारती अपराधी तत्वों पर प्रशासन पैनी निगाह रखे और विधि सम्मत कार्रवाई भी करे। हमारे जामताड़ा से। जामताड़ा के 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा के 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। लगातार एक माह से पीछा कर रही मुफसिल थाना की पुलिस ने गुरुवार को दोपहर 12 बजे दुधानी अमर सिनेमा हॉल के समीप 20 सड़क पर कार रोककर साइबर अपराध के आरोप में 3 लोगों को धर दबोचा। सभी लोग दुमका के दुधानी में एटीएम से पैसा निकालने के लिए गए थे। हादसे में 9 लोग घायल, जख्मी पति पत्नी धनबाद रेफर। गुरुवार दोपहर हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में कुल 9 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 महिला, 4 पुरुष व 3 बच्चे हैं। गंभीर रूप से जख्मी 2 लोगों को धनबाद रेफर कर दिया गया है, बल्कि 7 जख्मी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। 60 करोड़ से जामताड़ा और बोदमा का ROB हो जाएगा तैयार। उम्मीद बेहतर की और जाम में फंसने से आजादी की। उम्मीद बिना रुकावट अपने गंतव्य पर पहुंचने की। नया वर्ष 2021 में हमारी उम्मीद पूरी होगी। जामताड़ा रेलवे क्रॉसिंग 9B पर अब हमें घंटों का इंतजार नहीं करना होगा। जामताड़ा रेलवे क्रॉसिंग तथा मीजाम रोड में बोदमा के पास रेलवे द्वारा बनाया जा रहा रेलवे ओवर ब्रिज इस वर्ष पूर्ण हो जाएगी। खबर देवघर से। जिले के 5 थाना क्षेत्रों से साइबर अपराध के 18 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से साइबर अपराध के कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को जिले के सारठ, मोरगोमुंडा, पथरोल, मधुपुर और कैरो थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बुधवार की रात को गिरफ्तार किया गया है।
एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर गठित छापेमारी टीम ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। अनियंत्रित होकर हाईवा पलटा, उप चालक की मौत। देवघर गिरिडीह मुख्य मार्ग पर देवीपुर बाजार के पास कोलहरिया मोड़ के पास गुरुवार को एक हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में गाड़ी पर सवार उप चालक की मौत हो गई। मृतक 26 वर्षीय बंधु यादव बिहार के बांका जिले के कोटरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था। देवघर जा रहे पताही के युवक की सड़क हादसे में मौत। 9 वर्ष को लेकर बाबा की नगरी देवघर दर्शन करने जा रहे पताही थाना क्षेत्र के बोकाने कला निवासी चेतन शाह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना की सूचना पर गांव में मातमी और सन्नाटा पसर गया। वहीं स्वजनों की चीख पुकार से लोग गमगीन है। बता दें कि 9 वर्ष को लेकर अपने गांव के ही 5 मित्रों के साथ देवघर जा रहे थे। रास्ते में बेगूसराय में सभी लोगों ने गाड़ी पार कर चाय पीने के लिए एक दुकान पर पहुंचे। उतरने में गाड़ी जहां पर खड़ी की गई थी वहां ढलान से नीचे गाड़ी खाई के पास जाने लगी। चेतन शाह की नजर पड़ते ही चाय छोर गाड़ी के पास पहुंचा। वो गाड़ी का हैंडल ब्रेक लगाने का प्रयास किया। इसी क्रम में दुर्घटना होने के कारण उनकी मौत हो गई। पर पाकुड़ से मुखिया ने सैकड़ों गरीबों में बांटा कंबल। सदर प्रखंड के चेंगा डांगा पंचायत की मुखिया रेखा देवी ने गुरुवार को प्रखंड कार्यालय से प्राप्त 100 कंबलों का पंचायत के गरीबों के बीच वितरण किया। मुखिया रेखा देवी ने बताया कि पंचायत के सभी वार्डों में वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के सहयोग से सर्वे कराया गया। सर्वे में गरीबी से रेखानीचे से जीवन बसर करने वाले जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर उनके बीच कंबल का वितरण किया गया। शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने छेड़ी मुहिम। गोपीनाथपुर की महिलाओं ने गांव में शराब बेचने वालों के खिलाफ कई दिनों आंदोलन छेड़ रही है। महिलाओं का कहना है कि गोपीनाथपुर में जब तक पूरी तरह शराब बिक्री पर पाबंदी नहीं लग जाएगी तब तक शराब बिक्री के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। इसी सिलसिले में महिलाओं ने गुरुवार को पुलिस कप्तान मणिलाल मंडल को ज्ञापन सौंपा। ईएफओ रजनीश कुमार ने पाकुड़ में दिया योगदान। सरंडा वन प्रमंडल के निवर्तमान वन अधिकारी रजनीश कुमार ने गुरुवार को पाकुड़ वन प्रमंडल के वन अधिकारी के रूप में पौधरोपण कर अपना योगदान दिया। मौके पर उन्होंने लोगों ने प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण करने की अपील की। उल्लेखनीय है कि उन्होंने सरंडा वन प्रमंडल में बेहतर ढंग से काम किया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।